नी रिप्लेसमेंट कथा आसे तो सेटा को स्टेज रे माने नी रिप्लेसमेंट करा जे ओके सो फर्स्ट जिंस होउची नी रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट आजिकाली कोन होइची नी रिप्लेसमेंट इज ए लाइक बहुत बहुत बढ़ी जाइए तो फास्ट जिनस जाना कथा मुझे मो पेसेंट मान को निजी एजुकेट करूँ फर्स्ट एजुकेट करिया माने आपन नी रिप्लेसमेंट केत हवा दरकार ऑस्टियोआर्थराइटिस समस्त हम ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री ग्रेड फोर पर आहरी डैमेज हो ग्रेड फोर पर आम वायरस डिफॉर्मिटी सब डिफॉर्मिटी ना रखी तो ग्रेड फोर जाए जीवा बेलू मैंने जो जो जान ली मैं ग्रेड फोर जाए ट्रीटमेंट अच्छी ग्रेड टू टू थ्री पर्यंत आम सप्लीमेंट जमीक आप कौन करूँ आम कि मेडिकेशन देदेलु कि मेडिसीन अच्छी जैसे विस्को सप्लीमेंट्स इंजेक्शन थाए जो थे कि आप आंठू भितर किसी इंजेक्शन दि जाए जो थे कि आपंकर जो जिनसा तैल अंशा जो कमी जाकू मेन्टेन करवाई गोटे मैंने जमी लोक मैंने बहुत जगह कहते ग्रीस देदेले जॉइंट रे ओके तो सेमती जॉइंट रे किसी प्रकार ग्रीस दे दिगला आपड़ जो इंजेक्शन कथा कहते हैं कौ स्टेज मैंने दि जाए इंजेक्शनटा आम जितेबाला स्टेज वन स्टेज रे आम कौन करूँ मेडिसीन दो स्टेज टू स्टेज थ्री स्टेज रे आम जो आंठूर काटलेज अच्छी किंतु एत परिमाण डैमेज होनी जो थे कि आम रिप्लेसमेंट जावा से आम कौन करूँ बहुत प्रकार विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शन अच्छी ताकू नु किंतु सबुबले जानिथिबा दरकार जो मैंने पेरिफेरी रोचंती विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शन अलग स्टीरॉइड इंजेक्शन अलग विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शन कॉस्ट बहुत अधिक दैट इज कॉस्ट टू अराउंड 15,000 टू 20,000 रुपीस स्टीरॉइड गोटे 200 टंकार मिले तो बहुत जन भावती कि सेटा ही होची विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शन तो सेटा को कन्फ्यूज है कि सेटा नेबे नाही सेतरे कोन इन्फेक्शन हेबार चांसेस आंठू उल्टा खराब हो जीव ओके सेकेंड जिनस होची जो स्टेज थ्री एंड स्टेज फोर परे तापर जितेबाला बहुत खराब हो जाए से आम नी रिप्लेसमेंट को जाइ थौ ओके जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कथा आसुची कारण एमिति भी जेमिति कहले आपण बहुत पेशेंट आसुबे देखिबे जेतेबाला नी रिप्लेसमेंट कथा आसुबे समान डरि जांदे आ गोटे धारणा रहिछ लोकंकर जे जीव माने आंठू मोर बदलै देबे कि आंठू रोड को लगै देबे माने एटा साधारण लोकंक कथा तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सुनि देला को सेटा आउरी किछि समानकु लागे तो सेटा कोन माने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सो फर्स्ट जिनस होउची यू आर नॉट मशीन्स वी आर नॉट मेकानिक्स आम मेकानिक नु आप मेसीन नुंत तो आपको जिते खराब हम तो जो पूरा पूरी खराब हम से आम नी रिप्लेसमेंट करा कथा बहुत जगह कौन हो ना आजिकाली कौन हो दिस इज लाइक ए बिजनेस स्टेज टू स्टेज थ्री रे भी नी रिप्लेसमेंट करदे नी रिप्लेसमेंट बहुत नंबर्स नी रिप्लेसमेंट होमती के कथा नहीं बिकज आम जो जिन करूँ आप देह जिन गोटे पुराव जो थे कि आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट करा चेस्टा करूँ नट आम करवा दरकार नहीं कि आम क्वांटिटी एत नंबर्स अफ नी रिप्लेसमेंट तो नी रिप्लेसमेंट सब जाना दरकार आपत क्वाटर सर्जरी कराँ तो क्वाट सर्जरी टाक बढ़ेवाई रोबोटिक आसला रोबोटिक माने नुह कि आपणकर नी रिप्लेसमेंट रोबोट करुच्ची एथिरे कौन हुए धर जितेबाला आम नी रिप्लेसमेंट जो आम करूँ आंठूर रिप्लेसमेंट प्रत्यारोपण जो करूँ से कौन हुए 0.5% पर्यंत किसी भी एरर रहा जोटा ह्यूमन एरर नॉर्मल कौन आम जिग बसई आई बॉलिंग टेक्निक निजे देखी करुचु से कौन हो गोटे लोक गोटे फिडबैक् दौर गोटे कंप्यूटर गोटे फिडबैक् दौर गोटे रोबोट फिडबैक् दौर कि ना एतकी करले एतकी माने 0.5% भी एरर अच्छे दैट 0.5% एरर को भी सी नलीफाई करुच्ची जीरो करुच्ची से रोबोट्र काम होमको हेल्प करवा फिडबैक् दवा ड्यूरींग अपरेसन नट सी किसी अपरेसन कर तो आपड़ रोबोटिक्रे जो भी आम अपरेसन करूँ आमको सी गोटे फिडबैक् दौ था कहू था कि हाँ ये टाइप अपरेसन प्रोसेस सेम तो से कौन हुए ना बहुत जगह कौन ना रोबोट रे आपण कौन ना गोटे प्रकार तार गोटे आर्म थाए से आर्म टा कौन करे विद द हेल्प ऑफ आर्म आमे आम शॉटा को नेकि चलो माने इट्स लाइक आपण जण को हाथ धरिचंती एवं सी भी आपन हाथ धरछि आ दिजन मिसि गोटे जिंस करछन जोटा कि परफेक्टली हवा दरकार तो जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कथा हम कहथले आपन तो जिंसटा को बहुत सरल रे बुझे देले किंतु एम्ति थाए पेशेंट आसुथबे जेतबे आपन रोबोटिक कोथबे तो से माने डेफिनेटली से माने होथे एटा गोटे अलगा कोन जिंस होईछि रोबोट करिवो कि जो कथा आपन कहिले तो से माने कहंति जे नै मैनुअल रे जिबा रोबोटिक रे जिबानी एवं माने मैनुअल आ रोबोटिक यार कॉस्ट केमति कोन रहै ओके सो पेशेंट मानन को सेतबे मु सबले को पेशेंट एजुकेशन इज वेरी मच इंपोर्टेंट इन रोबोटिक हो कि नॉर्मल भी कन्वेंशनल भी हो तो आपको जितेबाला आम ऑपरेशन करा जो पेशेंट को फास्ट बुझा दरकार कि रोबोटिक कौन सरल भाषा रोबोटिक कौन हो मैनुअल कौन हो सो
ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ରୋବୋଟିକ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ହେଉଛି। ଫିର୍ ବି ରୋବୋଟିକ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନି ପିଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁ ପିଛା ଧର କୁହାଯାଏ 25,000-30,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ଧର ଆପଣ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ଟା ମାନିନିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଷ୍ଟ ୟୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 1,25,000 25,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବ ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ରୋବୋଟ୍ର ହେଲ୍ପ ନିଆହେଉଛି। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ନେବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କମ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପଲ୍ସରୀ ମେ ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଏମିତି ହେଇଯିବ କି ରୋବୋଟିକ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପଲ୍ସରୀ ତ ସେଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ।